आप सभी विद्यार्थियों का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और हमने जो पिछले सेशन में जो अपने कुछ पार्ट थे, जैसे पहला है, दूसरा है और केमिस्ट्री के जो पार्ट थे वो भी हमने समाप्त किए। फिर फिजिक्स का जो एक लेसन था प्रकाश, उसको भी हमने कंप्लीट किया। आज अपन एक जो है वो नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और वह पार्ट जो है वह बायोलॉजी से संबंधित है। और उसमें अपन पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो गुण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं और उसका कारण क्या है। इस पाठ में अपन जो है एक जो महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने आनुवंशिकता के लिए क्या कार्य किया उनके बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित जो तीन नियम दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। और अपन जो है इस प्रकार जो है इस पाठ में अपन कई ऐसे जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनके बारे में अपन सब जो है इस पाठ में अपन पढ़ेंगे। तो इस प्रकार अपन पाठ की जो शुरुआत करते हैं, पाठ का नाम जैसे अपन सभी जानते हैं, जो अपने तीसरा पाठ है, नाम उसका है आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में से सवाल बनता है और छोटा सवाल आता है इस प्रकार। तो अपन इसमें पढ़ेंगे कि जो आनुवंशिकता है, आनुवंशिकता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और आनुवंशिकी किसे कहते हैं। फिर इसमें अपन आज पढ़ेंगे कि जो मेंडल है उन्होंने क्या कार्य किया और मेंडल की सफलता के क्या कारण थे। इसमें अपन ये भी पढ़ेंगे कि जो मेंडल ने खोज की थी वह खोज कई वर्षों तक, लगभग अपन कह सकते हैं लगभग 34 वर्ष तक वो खोज अदृश्य रही। और चूंकि उस समय इतने साधन भी नहीं थे जिस कारण उनकी खोज को प्रसिद्ध किया जा सके, उसमें और भी दूसरे कारण भी थे कि वो खोज सामने नहीं आ सकी। जैसे उस समय जो मेंडल वाद वो ज़्यादा फेमस चल रहा था और उसमें लैमार्क वाद वो भी ज़्यादा फेमस चल रहा था, वो अपन पढ़ेंगे अभी तक आगे पढ़ना आएगा। तो इस प्रकार जो है समकालीन जो बड़े वैज्ञानिक और हुए उनके जो सिद्धांत थे वो ज़्यादा उस समय चर्चा में थे। तो अपने डार्विन वाद चल रहा था, माफ कीजिएगा, मेंडल वाद की जगह डार्विन वाद जो है वो ज़्यादा चल रहा था। और डार्विन वाद और लैमार्क वाद के कारण जो है वो मेंडल वाद की जो है अपने इसमें ज़्यादा प्रसार नहीं हो पाया। अपन पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन आनुवंशिकता की। आनुवंशिकता इसको अपन इंग्लिश में हेरिडिटिक नाम से जानते हैं। और अपन देखते हैं सामान्य जीवन में कई बार, जैसे मान लीजिए अपने घर में कोई बालक या बालिका का जन्म होता है तो कई बार अपने घर वाले कहते हैं कि ये तो उन पर गई है, जैसे इसका चेहरा उनसे मिलता है, दादा से मिलता है, नाना से मिलता है। इस प्रकार अपन कई दैनिक जीवन में चीजें देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि कई जो हमारे रिश्तेदार होते हैं वो हमारे किसी न किसी रिश्तेदार से जो है कुछ न कुछ उनके जो शारीरिक जो लक्षण होते हैं, जैसे बाल है, मुंह की आकृति है, दांत है, कान है, इस प्रकार आंखें हैं, इस प्रकार जो है ये रचना जो अपने मिलती है। तो ये सब चीजें जो होने का कारण है वो कारण होने का मतलब होता है आनुवंशिकता। तो अपन कह सकते हैं कि जो गुण होते हैं, जो गुण हैं अपन कह सकते हैं जो पितृ होते हैं, जैसे माता पिता हैं, उनमें से अगली पीढ़ी में यानी संतति में जाते हैं। तो गुणों का अपन कह सकते हैं माता पिता से संतति में जाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, उसे अपन आनुवंशिकता के नाम से जानते हैं। और जो आनुवंशिकता जो शब्द है वो वैज्ञानिक में है स्पेंसर, आनुवंशिकता जो शब्द है वो स्पेंसर ने दिया था। आनुवंशिकता जो परिभाषा है वो अपन कह सकते हैं लक्षणों यानी गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाने की क्रिया है या प्रक्रिया है उसे अपन आनुवंशिकता कहते हैं। और जो आनुवंशिकता वो इंग्लिश में अपन हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है। और जो सबसे पहले हेरिडिटी शब्द जो देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था स्पेंसर। फिर उसके बाद में वैज्ञानिकों की तरफ से इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया गया और उसमें ये पता लगा कि क्या कारण है कि गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो जानने के लिए कुछ नियम सिद्धांत प्रतिपादित किए गए और वो जो कार्य है सबसे पहले एक महान वैज्ञानिक जिसको आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है उसने किया, उसको अपन बोलते हैं मेंडल। तो उसके आनुवंशिकता के लिए कुछ नियम प्रतिपादित किए गए। तो अपन नियमों का जो अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की जिस शाखा में अपन आनुवंशिकता के नियमों, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं आदि का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी के नाम से जाना जाता है। इसको अपन कहेंगे आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के नाम से इसको जाना जाता है। और आनुवंशिकी को अपन जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जो जेनेटिक्स जो शब्द है वो सबसे पहले बेसल ने दिया था। तो इस प्रकार अब इसकी यदि परिभाषा लिखना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि विज्ञान की जिस शाखा में आनुवंशिकता के नियमों, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है
उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। तो यह अनुवांशिकी है, यह तो एक प्रकार की विज्ञान की शाखा है और यह एक प्रकार से अनुवांशिकता एक प्रकार की प्रोसेसिंग है और अनुवांशिकी जो है वो विज्ञान की एक क्या है शाखा है जिसमें अपन अनुवांशिकता के नियमों सिद्धांतों आदि का अध्ययन करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं मेंडल के जो जीवन परिचय है। जो मेंडल जो थे वो एक तरह से 1822 के अंदर 22 जुलाई 1822 में एक जुलाह परिवार में उनका जन्म हुआ था। आर्थिक स्थिति जो सामान्य सुदृढ़ नहीं थी तो इस प्रकार वो अध्ययन करने के लिए अध्ययन कर रहे थे ऑस्ट्रिया के अंदर। ऑस्ट्रिया जो उसका एक प्रांत है हेंजनडॉर्फ उनके अंदर गांव में उनका जन्म हुआ था। और फिर वे दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी जो ज़्यादा चिंतन पर ध्यान देता है और इस प्रकार मन मस्तिष्क और विचारों पर जो ज़्यादा निष्कर्ष निकालते हैं उसको अपन बोलते हैं दर्शन शास्त्र। तो वो दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे और फिर धीरे धीरे उनकी विज्ञान में रुचि भी बढ़ती गई। फिर वो एक चर्च में जो है वो पादरी बन गए और जब वो पादरी थे तो उन्होंने उस चर्च के पास में ही उनकी जो कि विज्ञान में रुचि थी और गणित का उनको जो है अच्छा ज्ञान था उसकी पकड़ गणित में अच्छी थी तो उन्होंने जो है वो चर्च के साइड में एक गार्डन बनाया और गार्डन में उन्होंने जो है पौधों पर प्रयोग करना शुरू किए। तो उन्होंने जो है कई प्रकार के पौधों को निष्कर्ष निकाला और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मटर का पौधा है उस पर उन्होंने ज़्यादा प्रयोग किए, सबसे अधिक प्रयोग मटर के पौधे पर किए। तो उन्होंने जो है अपने जो निष्कर्ष थे उन्होंने लगभग 7 वर्ष तक अध्ययन किया और 7 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद में वहाँ पर एक संस्था है जो पत्रिका निकालती है ब्रुन सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इस प्रकार की वहाँ पर एक पत्रिका निकलती थी। उन्होंने अपने जो निष्कर्षों को उसमें भेजा पत्रिका में भेजा तो पत्रिका ने 1865 के आसपास में उन निष्कर्षों को छापा। लेकिन दुर्भाग्य था कि मेंडल को वह सम्मान जीते जी नहीं मिल सका और 1866 के आसपास में उस महान वैज्ञानिक की क्या हो गई मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने एक पादप संक्रमण के प्रयोग आधार पर उन्होंने जो है वो शीर्षक से उस पुस्तक में छापा और फिर उनकी जो है वो मृत्यु हो गई। उन्होंने उनकी जो सफलता है उनकी सफलता के कई कारण भी थे। सबसे पहला उन्होंने जो है वो 1 वर्षीय पादप का चयन किया और उनकी गणितीय योग्यता जो थी वो अच्छी थी। इस प्रकार उनकी जो है वो सफलता के कई ऐसे भी कारण थे जिसके कारण वो सफल हो सके। फिर उसके बाद में उन्होंने जो है वो लक्षणों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया, ये सब चीजें उनकी सफलता के कारण थे। उसके बाद अपन पढ़ते हैं कि उन्होंने मटर के पौधे का ही जो है वो क्यों प्रयोग किया। तो उसमें अपन ये कह सकते हैं कि मटर का पौधा जो था वो 1 वर्षीय पादप होता है, उसमें बीज पोषण आराम से करवाया जा सकता है और वह द्विलिंगी पौधा होता है। तो अपन ऐसे कारण रूप में ले सकते हैं। एक बार बोर्ड की परीक्षा में सवाल भी पूछ लिया गया था कि क्या कारण था कि मेंडल ने मटर के पौधे का ही चयन किया। तो अपन कह सकते हैं कि वह पौधा जो होता है वो नेचुरली द्विवर्षीय पौधा होता है, उसमें वीट पुंसन आराम से करवा सकते हैं। वीट पुंसन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपके आसपास में यदि कोई फूल वाला पौधा लगा होगा तो अपन देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे ये आसपास में जैसे अपन कह सकते हैं कनेर है जिसमें स्पष्ट बड़े और फूल लगते हैं। अपन जैसे मान लीजिए धतूरे का मान लो ये अपन कह सकते हैं पुष्प ले लेते हैं इस प्रकार, मान लीजिए ये धतूरे का पुष्प है इस प्रकार, ये इस प्रकार मान लीजिए धतूरे का पुष्प ले लिया। अब इसके अंदर यदि आप यहाँ से देखोगे तो एक जो डंडी होती है वो बिल्कुल अलग रंग की होती है, ये इसको अपन वर्टिकल नाम से जानते हैं। और जो इसके पास में जो 5 डंडियाँ होती है उसको अपन टू केसर के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो मटर का पौधा होता है उसके पुंग केसरों को आराम से हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार पुंग केसरों को हटाने की प्रक्रिया को अपन जानते हैं कि जो परागकण बनते हैं यानी जो नर युग्मक बनते हैं वो नर युग्मक पुंग केसरों के ऊपर ही बनते हैं और पुंग केसरों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसे विपुंसन कहा जाता है। विपुंसन कहा जाता है। तो मेंडल ने जो है वो मटर के पौधे का चयन क्यों किया, वो उसका आधार था कि यह पौधा द्विलिंगी है यानी इसमें स्व परागण भी हो सकता है पर परागण भी हो सकता है। कक्षा आपने पढ़ा था जो 7 का और 6 का जो पाठ है कक्षा 6 के अंदर आपने पढ़ा था स्व परागण पर परागण। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि जो उसमें विपुंसन होता है उनके स्व हटा सकते हैं, पौधा खुद क्या होता है द्विलिंगी होता है तो उसमें स्व परागण भी हो सकता है और पर परागण भी करवाया जा सकता है। और जो उसके अलावा है पौधा द्विवर्षीय होता है तो कम समय में अपन रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यदि कल्पना करो उसने आम के पौधे का चयन किया होता तो वो तो खुद
फल भी लगातार लगभग 15-20 वर्ष बाद में, तब तक तो वो प्रोसेसिंग लंबी रहती है। तो उन्होंने बहुत शॉर्ट टर्म वाले पौधे को लिया और उसमें उन्होंने जो है वो प्रैक्टिकल किया। तो इस प्रकार ये मटर के पौधे के जो है वो उसके चयन के कारण थे। उसके बाद में उनकी तो डेथ हो गई, फिर जो है उसके निष्कर्षों को वापस तीन वैज्ञानिक, और वो तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश के थे। देखो अपन जैसे जैसे साइंस पढ़ते ना, तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो अपने अपने कर्म में ईमानदार होते हैं, और इसी कर्म के ईमानदारी के कारण ही जो है विज्ञान लगातार प्रोग्रेस करता जा रहा है। तो देखो आपके सामने तीन वैज्ञानिकों का नाम है, तीनों वैज्ञानिक अलग अलग देश के हैं, और तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए। हमने उस दिन बात की थी कि अभी हमने बात की भाई जो मेंडल है, मेंडल की डेथ हो गई 1866 में, तो वो प्रयोग 34 वर्ष तक अदृश्य रहे। फिर उन तीनों वैज्ञानिकों को कोई अपन कह सकते हैं सौभाग्य से इसमें रुचि जग गई जेनेटिक्स के बारे में। तो उन तीनों वैज्ञानिकों ने हॉलैंड का, जो इंग्लैंड के पास में देश है, जर्मनी भी यूरोप के अंदर ही है, ऑस्ट्रिया भी यूरोप के अंदर ही है, तीनों वैज्ञानिकों ने इस पर वापस पुनः अलग अलग प्रयोग किए, और अलग अलग प्रयोग किए तो उन्होंने वही निष्कर्ष प्राप्त किए जो मेंडल ने प्राप्त किए थे। तो उन्होंने कहा कि जो मेंडल ने प्रयोग किए थे वो बिल्कुल प्रयोग क्या थे, सत्य थे। तो ये तीनों वैज्ञानिकों का एक बार नाम बोर्ड के परिसर में पूछ लिया गया था कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करता वैज्ञानिकों का नाम लिखिए। तो इस प्रकार आधे नंबर का इस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है, डेढ़ नंबर का सवाल बन सकता है। तो हॉलैंड के हुगो डी ब्रिज, नाम राशि से मालूम है हॉलैंड हुगो डी ब्रिज सीधा बन गया। फिर जर्मनी के कार्ल कोरेंस हो गया, और ऑस्ट्रिया, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन है सामाजिक में, आपने पढ़ लिया होगा कई बार, तो जैसे ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ये एक महाद्वीप भी है, एक देश भी, इसको बोलते हैं एक देशीय महाद्वीप, ये महाद्वीप भी है देश भी, ये होता है ऑस्ट्रिया, दोनों अलग अलग है। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया जो होता है ये यूरोप महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप, यूरोप, ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है, और यहां पर है ऑस्ट्रेलिया, ये एक महाद्वीप है। तो इस प्रकार ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मर, इन्होंने प्रयोग किया और निष्कर्ष निकाला कि जो मेंडल द्वारा किए गए प्रयोग थे वो सत्य थे, और इस प्रकार जो है वो मेंडल के नियमों को इन्होंने आगे बढ़ाया। अभी आप इसका स्क्रीन सुन लो, अगले सेशन में अपन ये कोई नया टॉपिक इसका शुरू करेंगे।